बिग स्क्रीन्स के बाद अब ओटीटी पर नजर आएंगे अजय। डिजिटल शो के लिए मिस्टर देवगन ने मांगी मोटी रकम। जुलाई में अजय देवगन अपने पहले डिजिटल डेब्यू शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। अजय हॉटस्टार स्पेशल की वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, जिसे मेकर्स 2 महीने में कंप्लीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो इस सीरीज के लिए अजय देवगन को मोटी फीस दी गई है। अजय को अपने डिजिटल डेब्यू के लिए 125 करोड़ रुपए की भारी रकम का भुगतान किया गया है। 125 करोड़ रुपए पहले किसी भी एक्टर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिए गए हैं। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में अजय टॉप पर पहुंच गए हैं। वहीं अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन अजय इन सबको पीछे छोड़ आगे निकल गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अजय देवगन की फीस में स्टार नेटवर्क की कुछ करोड़ की प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, जैसे प्रोमो शूट, सोशल मीडिया पोस्ट, रियलिटी शोज में अपीयरेंस भी शामिल है। शूटिंग के बाद शो के प्रमोशन के लिए ऑलरेडी एडवांस में फीस उन्हें दे दी गई है। इतना ही नहीं, सीरीज में साउथ इंडियन एक्ट्रेस राशि खन्ना भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आपको बता दें कि ये सीरीज ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा लूथर की ऑफिशियल रीमेक है, जिसमें इद्रिस एल्बा रूथ विलियम्स ने लीड रोल निभाया था। वैसे अजय के फैंस इस सीरीज का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। पहली बार एक सीरीज में अजय को देखना फैंस के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। केआरके का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी का है तो गलत नहीं होगा। जब भी केआरके अपना मुंह खोलते हैं, तब तब कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है और फिर शुरू हो जाती है तू तू मैं। वैसे तो केआरके अक्सर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सलमान के खिलाफ बोला है, जिसके बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मीका सिंह ने केआरके पर एक गाना भी रिलीज कर दिया था, जिसमें केआरके के खिलाफ जमकर मीका भड़कते दिखे थे। गाना रिलीज होने से पहले वैसे तो केआरके ने मीका को धमकी दी थी कि वो ये गाना रिलीज करके तो दिखाए, लेकिन जब गाना रिलीज हो गया तो केआरके ने कहा था कि वो भी अब उनके बारे में जल्द ही कुछ कहेंगे। ऐसे में अब केआरके ने एक ऑडियो शेयर कर दिया है, जिसमें वो मीका की आवाज सुना रहे हैं। इस ऑडियो में मीका केआरके को धमकी देते हुए कह रहे हैं उनका ऑडियो भी रिलीज किया जाएगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो सलमान या करण नहीं है। इस ऑडियो के साथ केआरके लिखते हैं कि मीका सिंह बॉलीवुड के सेलेब्स की बेइज्जती कर रहे हैं। वहीं केआरके ने एक और वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें वो राखी सावंत की वॉइस में एक लाफ्टर ऑडियो शेयर कर रहे हैं। ऑडियो में राखी कहती हैं केआरके इस तरह की हरकत ना करें। आपको बता दें कि केआरके और सलमान की वॉर तब शुरू हुई थी जब केआरके ने उनकी फिल्म राधे का रिव्यू किया, लेकिन सलमान की लीगल टीम इसे गलत बताती है और कहती है कि केआरके बार बार सलमान और उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और उन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्होंने लीगल केस फाइल किया है। लेकिन बावजूद इसके केआरके बाज नहीं आते और अब ये जंग मीका वर्सेस केआरके में शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। बीते साल लॉकडाउन के दौरान सोनू ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद सोनू ने हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर घर बनवाना हो, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, सोनू ने बखूबी सभी की मदद की है। सोनू सूद फैंस के लिए रियल लाइफ हीरो बन गए हैं, लेकिन इस बार सोनू किसी और वजह से खबरों में छाए हैं। इस बार सोनू को खबरों में लाई है उनकी नई लग्जरी कार। इन दिनों सोनू सूद का एक वीडियो यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप सोनू के घर के बाहर एक नई चमचमाती मर्सिडीज कार को देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू सूद ने अपनी कार कलेक्शन में क्लासी मर्सिडीज मेबैच GLS 600 को शामिल कर लिया है। मर्सिडीज की ये शानदार गाड़ी हफ्ते भर पहले ही लॉन्च की गई है। खास बात ये है कि कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने ये गाड़ी
अपने बड़े बेटे ईशान को गिफ्ट की है। शाइनी ब्लैक कलर की इस शानदार एसयूवी की कीमत 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच है। वीडियो में आप सोनू को कार की हर सीट पर बैठकर कार के फीचर्स समझाते हुए देख सकते हैं। सोनू के अलावा ईशान भी कार के फीचर्स को काफी इंटरेस्ट के साथ समझते दिखते हैं। बता दें कि सोनू सूद लग्जरी गाड़ियों के शौकीन है। वो पहले से ही एक ऑडी Q7, एक मर्सिडीज बेंज ML क्लास, एक सुपर क्लासी पोर्श पनामेरा के मालिक हैं और अब उनकी कार कलेक्शन में मर्सिडीज मेबैच GLS 600 भी शामिल हो गई है। वैसे हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने भी एक शानदार कार परचेज की थी। इस कार की कीमत भी 3 करोड़ से ज्यादा थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। मिल्खा सिंह को याद कर इमोशनल हुए फरहान अख्तर। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। शुक्रवार देर रात 11:30 बजे मिल्खा सिंह ने अंतिम सांस ली। वो 91 साल के थे। बीते महीने मिल्खा सिंह कोरोना से संक्रमित हुए थे। हालांकि वे कोरोना वायरस से जंग जीत गए थे, लेकिन उनकी तबीयत काफी वक्त से नाजुक बनी हुई थी। हाल ही में उन्हें PGI अस्पताल में भर्ती किया गया था। मिल्खा सिंह के निधन पर पूरा देश दुख में डूबा है। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए महान धावक मिल्खा सिंह को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी बीच अभिनेता फरहान अख्तर भी मिल्खा सिंह को याद कर भावुक हो गए। बता दें कि फरहान अख्तर ने फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का रोल प्ले किया था। फरहान मिल्खा सिंह से इमोशनली काफी जुड़े हुए थे। मिल्खा सिंह को याद करते हुए फरहान ने उनके साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, साथ ही बेहद इमोशनल नोट भी लिखा है। फरहान लिखते हैं, प्रिय मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अभी भी ये मानने से इनकार कर रहा है कि आप नहीं रहे। हो सकता है कि ये वो जिद्दी पक्ष है जो मुझे आपसे विरासत में मिला है। वो पक्ष जब वो किसी चीज पर अपना मन लगाता है तो कभी हार नहीं मानता। और सच तो ये है कि आप हमेशा जीवित रहोगे, लेकिन क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले, प्यार करने वाले, गर्म जोशी से भरे, जमीन से जुड़े इंसान ज्यादा थे। आपने एक विचार का प्रतिनिधित्व किया, आपने एक सपने का प्रतिनिधित्व किया, आपने हम सभी के जीवन को छुआ है। जो लोग आपको एक पिता और एक दोस्त के रूप में जानते हैं, उनके लिए यह एक आशीर्वाद था। जिन लोगों ने नहीं किया, उनके लिए आपकी कहानी प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत और सफलता में विनम्रता याद दिलाने वाली थी। मैं आपको पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मिल्खा सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि तमाम बॉलीवुड स्टार्स भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और अनुपम खेर समेत कई स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख जाहिर किया और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।